इंडियन जल एसोसिएशन जमशेदपुर जिला कार्यालय का उद्घाटन समारोह आदर्श अब्दुल रहीम कॉम्प्लेक्स साक्षी जमशेदपुर में किया गया, जिसमें शहर के सभी गणमान्य उपस्थित हुए। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिराज अहमद कुरैशी के दिशा निर्देश से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें अतिथि के तौर पर युवा नेता कुणाल सारंगी एवं विशेष अतिथि के रूप में भोजपुरी गायक सौरभ धमन शामिल हुए। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन झारखंड प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद पासवान, महासचिव देवान सिन्हा, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला विंग मधु सिन्हा, रांची जिला अध्यक्ष सौरभ राय एवं पिंटू जी शामिल हुए। साथ ही शहर के सम्मानित गणमान्य में अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष साकिर खान, कपाली वार्ड पार्षद इरफान खान, हिंद आईटीआई के चेयरमैन एवं मानगोर नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर ताहिर हुसैन, फैजल खान, घरों से जहरीले सांप को पकड़ने वाले शुभम मलिक, निःशुल्क ऑटो एम्बुलेंस की सेवा देने वाले दिनेश घोष, विकास सिंह आदि को माला एवं अंग वस्त्र पहनाकर गीता एवं हदीस देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्री भुवनेश्वर त्रिपाठी जी ने किया। उपस्थित अतिथियों ने पत्रकार हितों के लिए जिला कार्यालय का उद्घाटन भारतीय परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं भोजपुरी गायक ने संगीत का कार्यक्रम कर समा बांध दिया। देशभक्ति गीतों से आरंभ होकर होली के गीतों पर सब नाचने और झूमने लगे, साथ ही गुलाल लगाकर सबने प्री होली मनाई। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश महिला विंग महासचिव नीतू दुबे, जिला अध्यक्ष राज श्रीवास्तव, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष अनिल कुमार मौर्य, उपाध्यक्ष कलीम खान, कमलेश गिरी, कुलदीप चौधरी, महासचिव अभिषेक कुमार, सचिव आतिफ खान, अभिषेक, अजीत, शेषव सरकार, आकाश, आलोक शर्मा, अमित राय, अविनाश शर्मा, अविनाश कुमार वर्मा, आशीष, विश्वजीत नंदा, आनंद प्रसाद, जगजीत सिंह, जावेद अख्तर, लक्ष्मण राव, राहुल शर्मा आदि सैकड़ों पत्रकार शामिल रहे। पत्रकारिता जब मैं 8th क्लास में था उस टाइम से ही मैं कुछ न कुछ लिख रहा था। पत्रकारिता में एक जुनून है। पत्रकारिता मैं एक्सपोर्ट का भी बिजनेस किया, मैं फिल्म स्टार भी हूँ, फिल्म भी बनाता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ, इंजीनियर, मतलब बहुत तरह का, लेकिन सबको छोड़ करके मैं पत्रकारिता में ही आया, क्योंकि एक पत्रकारिता ऐसा है जो इसके थ्रू हम समाज को सेवा कर सकते हैं। कई बहुत ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, उसको उजागर करते हैं। एक वाकया हमारा 25 दिन पहले था कि बंगाल में मेरे साथ और मेरी वाइफ उपाध्यक्ष जो है मधु सिन्हा जी, उनके साथ एक वाकया हुआ था जो कि हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मतलब बढ़ चढ़ करके उसको आवाज़ उठाया। डीसी साहब को भी यहां पर मैं ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री जी को भी दिया, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से कुछ भी इसका नहीं आया। तो हमारा मांग है, इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का ये मांग है कि सबसे पहले कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो, दूसरा में आत्मरक्षा के लिए मापदंड के अनुसार सुरक्षा का जो बल है, शस्त्र बल है, उसको दिया जाए। तीसरा, जो सस्ता आवास है पत्रकारों के लिए वो मुहैया किया जाए। चौथा, जो हमारे जो बच्चे हैं, जो मेधावी बच्चे हैं, जो पत्रकार के जो पैसे नहीं रख, पत्रकार भैया हम लोग सब गरीब होते हैं, तो इसलिए उन बच्चे सबको पढ़ाने के लिए भी उचित व्यवस्था सरकार करे। और मैं इस मंच से इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव होने के नाते मैं इस मंच से ये भी बोलना चाहता हूँ सीएम साहब को कि सर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कीजिए। और जो वाकया हुआ कलकत्ता में हम लोगों के साथ, उसका कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकला है। ऐसा ना हो कि कल हम इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के लोग जा करके वहां धरना दें, ऐसा ना हो। इसलिए आपका शर्म वाली बात होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि सर सुने हमारा बात। और जो इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो जमशेदपुर के इकाई, हमारे नीतू दुबे जी, हमारे राज जी, हमारे आतिफ भाई, हमारे जितने जो किए, ये कार्यक्रम जो किए हैं, ये एक समझिए इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का एक नींव है। और नींव ये जान रहे कि आगे कितना बढ़ेगा, हमारे ये झारखंड में ये छाएगा, छाएगा और छाएगा। मैं इसी के साथ मैं
सर्वप्रथम इंडियन दलित एसोसिएशन के सभी पत्रकार भाइयों, मंच पर सम्मानित पदाधिकारी अभी अभी आए हैं, विधायक तरुण धवन को मेरा नमस्कार है और उनका मैं स्वागत करती हूँ। और मैं इस बात की खुशी जाहिर करती हूँ कि मैं झारखंड में जमशेदपुर में कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। और मैं चाहती हूँ कि पत्रकार एकता हो और इंडियन दलित एसोसिएशन पत्रकारों के लिए आगे बढ़े, काम करें, इसके सुरक्षा के लिए आगे बढ़े, ताकि पत्रकारों को जो आए दिन प्रॉब्लम होती रहती है, चाहे झारखंड में हो या बाहर हो, वो ना हो, हम एक होकर अपने अधिकारियों की मांग करें और सरकार से कहें कि हमें सुरक्षा दें। हम लोग रांची में जा रहे थे और एक छोटे से बच्चे ने सवाल किया था कि पत्रकार कौन होता है। बहुत सारे काम करते, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बिजनेसमैन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पॉलिटिशियंस है, आर्टिस्ट हैं, तो पत्रकार कौन होता है। मेरे मन में ये सवाल जो है 24 घंटे चलता रहा कि आज इस समय में जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक सबसे क्रांतिकारी दौर चल रहा है, उस समय में एक छोटे से बच्चे के मन में यह सवाल आता है कि पत्रकार कौन होता है, तो यह लोकतंत्र की एक बहुत ही बड़ी जीत है, क्योंकि पत्रकार ही लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ का दर्जा प्राप्त वो साहसी व्यक्ति होता है जो लोकतंत्र के अन्य जो तीन स्तंभ है उसे जवाबदेह बनाता है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये सब अपना काम करते हैं। सिस्टम को चलाने के लिए कार्यपालिका है, उसको गवर्न, उसको ऊपर से संचालन करने के लिए विधायिका है, कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए और पत्रकार के हित के लिए कार्य किया जाए, चाहे वो पत्रकार सुरक्षा कानून हो या स्वास्थ्य बीमा को लेकर कार्य हो। हम लोगों ने कुछ दिन पहले रांची में रांची डीसी को भी ज्ञापन सौंपा था, ताकि वो जो झारखंड के मुख्यमंत्री है उससे ये कहा जाए कि जो पत्रकार सुरक्षा कानून है वो झारखंड में जल्द से जल्द लागू करे। सभी हमारे पदाधिकारियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ एक बार फिर से कि हमें एक मौका मिला और हम लोग ये इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो है ये झारखंड में फैलाने का काम करेंगे। पत्रकारों की एकता इसलिए भी प्रासंगिक है कि आज वो कहा जाता है ना, कुछ एक सड़े हुए सेब के कारण पूरी टोकरी बदनाम हो जाती है, तो आज वो परिस्थिति है। इसलिए जो पत्रकार होता है वो कितनी ईमानदारी से अपना काम करता है, कितनी चुनौतियों को स्वीकार करके सामना करके अपना काम करता है, हमने कोविड काल में देखा। और आज इसलिए भी ऐसे एसोसिएशन की आवश्यकता है ताकि लोगों को भी पता चले कि ईमानदारी से कौन पत्रकारिता कर रहा है और कौन पत्रकारिता के नाम पर कुछ और एजेंडा लेकर काम कर रहा है, क्योंकि कई तरह की बातें आजकल सामने आती हैं, तो जिससे कि एक ऐसा पेशा जिसका विश्वसनीयता स्वतंत्रता के समय से लेकर जब से हम प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं इस देश में, तब से जो पत्रकारों की स्वतंत्रता है, पत्रकारिता की जो निष्पक्षता है, इसको लेकर लोगों का एक अटूट विश्वास रहा है। जब कोई खबर सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके में कोई पढ़ता है तो उस खबर के साथ वो भावनात्मक रूप से जुड़ता है, उसका जीवन भी प्रभावित होता है। तो अगर उस खबर में थोड़ी सी भी ईमानदारी की कमी हो, सच्चाई की कमी हो, तो उसका प्रभाव बहुत नकारात्मक हो सकता है। और आज जो एक बाढ़ सी आई हुई है पोर्टल्स की, सोशल मीडिया पर भी लोग समाचार देखते हैं।